तो एक तरफ जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहां पर कई जिलों में पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी यहां पर रोड शो किया है। और इससे पहले राहुल गांधी अचलेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे, बाद में राहुल गांधी ने यहां पर रोड शो शुरू किया। राहुल गांधी के मंदिर में प्रवेश करने के बाद अंदर जा रहे ट्रस्टियों को यहाँ पर SPG ने रोक दिया था। इसके बाद ट्रस्टियों ने यहाँ पर हंगामा किया और कांग्रेस नेताओं के समझाने के बाद ही यहाँ पर SPG ने उन ट्रस्टियों की तलाशी ली, उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया। रोड शो के बाद राहुल की यहाँ पर फूलबाग में सभा होनी थी। दतिया से लौटने के बाद राहुल गांधी माधवराव सिंधिया की यहाँ पर समाधि पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की। और साथ ही उनके साथ यहाँ पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। इसके बाद राहुल जयविलास पहुंचे, फिर थोड़ी देर के बाद अचलेश्वर मंदिर आए।